मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी करिकुलम टाइप्स ऑफ करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम के कितने प्रकार होते हैं। आज हम बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड करिकुलम, एक अच्छे पाठ्यक्रम की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो जैसे आपको सभी को पता भी होगा कि अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए, चलो हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द करिकुलम इज़ कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग। जो एक अच्छा पाठ्यक्रम है वो लगातार उभरता रहता है, जैसे नाम से पता चल रहा है उभरना, मीन्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी वो चेंज होता रहता है, मीन्स नया नया उभर के सामने आता है। इट इवॉल्व फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर टू द प्रेजेंट। तो ये एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक उभरता रहता है और टू द प्रेजेंट और एक वर्तमान तक ऊपर के सामने आता है। फॉर अ करिकुलम टू बी इफेक्टिव इट मस्ट हैव कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। एक अच्छे पाठ्यक्रम को इफेक्टिव होने के लिए उसकी मॉनिटरिंग और इसकी इवेल्युएशन कॉन्टिन्यूसली होनी चाहिए, मीन्स उसका निरंतर मूल्यांकन और निरंतर उसको देख रेख होनी चाहिए। करिकुलम मस्ट अडेप्ट इट्स एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज टू मीट द नीड ऑफ मॉडर्न एंड डायनेमिक कम्युनिटी। जो करिकुलम है वो क्या है, उसकी एजुकेशनल एक्टिविटी को और जो सर्विसेज है उसको अडेप्ट करे, उसको मतलब अपने आप में ले ले, जिससे वो सोसाइटी की नीड, जो चेंजिंग हमारी सोसाइटी है, जो चेंजिंग कम्युनिटी है, उसकी नीड्स को फुलफिल कर सके। द करिकुलम इज़ बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ पीपल। जो पाठ्यक्रम है वो किसकी, एक अच्छा पाठ्यक्रम क्या है, इज़ बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल, मीन्स लोगों की रुचि पर आधारित लोगों की आवश्यकता पर आधारित होता है। लोगों की आवश्यकता पर आधारित ये हुआ कि जैसे जो भी उसकी एक आवश्यकता है कि इस तरह से उसने बनना है या जो भी है, मतलब जिस तरह से उसकी नीड्स है, इंटरेस्ट है, कैपेबिलिटीज़ है, करिकुलम उसी हिसाब से होना चाहिए। ए गुड करिकुलम रिफ्लेक्ट द नीड ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। जैसे मैंने अभी बताया कि जो अच्छा पाठ्यक्रम है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, नीड ऑफ द लर्नर, इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर ही चलता है, तो उसकी शेप भी उसी तरह से होनी चाहिए, मीन्स करिकुलम उसी तरह से ढाला जाता है जिससे एक बच्चा और एक जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, और अपनी नीड तो फुलफ़िल कर ही सके लेकिन साथ में सोसाइटी की नीड्स को भी फुलफ़िल करे। फिर थर्ड आता है करिकुलम इज़ डेमोक्रेटिकली कंसीव्ड। जो एक अच्छा पाठ्यक्रम है वो प्रजातांत्रिक रूप से एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है ना, जैसे कि डेमोक्रेटिक मतलब कि दोनों का पार्टिसिपेशन होगा उसमें, टीचर एज वेल एज टॉट। तो इसमें एक ये नहीं होगा कि करिकुलम ऐसे बनाओ कि वो टीचर सेंटर्ड हो जाए या करिकुलम ऐसा बनाओ, अब तो वैसे चाइल्ड सेंटर्ड होता है ना, पर डेमोक्रेटिकली मतलब कि उसमें टीचर्स का भी पार्टिसिपेशन हो और बच्चों का भी हो, कम्युनिटी का भी हो, इस तरह से सभी का ही हो, मतलब एक ही उसमें ना हो वो, ठीक है। तो गुड करिकुलम इज़ डेवलप्ड थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर इन द सोसाइटी हु आर नॉलेजेबल अबाउट द इंटरेस्ट नीड्स एंड सोसाइटी। जो भी हमारा एक अच्छे पाठ्यक्रम है वो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, अलग अलग लोगों के एफर्ट के द्वारा किया जाता है, जिनको सोसाइटी की नीड्स, उनके इंटरेस्ट, उनके रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज ऑफ लर्नर है, सोसाइटी और सोसाइटी एज अ होल, उनको ध्यान में रख के की जाती है एक अच्छे करिकुलम की डेवलपमेंट। द करिकुलम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैनी माइंड्स एंड एनर्जीज। क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि करिकुलम जब सेटअप होता है तो बहुत सारे लोगों की कमेटी बनाई जाती है, उसमें एजुकेटर जो भी एजुकेशनिस्ट भी होते हैं और भी होते हैं, पॉलिटिकली साइड से भी होते हैं, और बहुत सारे लोगों का क्या है व्यूज़ लिए जाते हैं, उसी के बाद करिकुलम को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मेनी माइंड्स एंड एनर्जी, तो उसमें बहुत सारे लोगों के माइंड लगते हैं और एनर्जी भी लगती है। द करिकुलम इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एफर्ट। जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, वो आप बोल उसमें एकदम से नहीं करिकुलम कभी भी चेंज होता या एकदम से भी नहीं बनाया जाता, उसमें लॉन्ग टर्म एफर्ट, ये उसमें बहुत टाइम लगता है। एक अच्छा करिकुलम क्या होता है, इट इज़ अ गुड करिकुलम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड टीडियस प्रोसेस। टीडियस का मतलब कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि हाँ ये रखें ये ना रखें, सोसाइटी की तरफ के लिए हम ये रखें, ये बेनिफिशियल होगा सोसाइटी के लिए या नहीं होगा। करिकुलम ये नहीं कि कहीं से उठाया रख दिया, उसमें पहले बहुत सारे लोगों की राय ली जाती है। तो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड टीडियस प्रोसेस। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम इन द प्लानिंग। तो इसमें इसकी प्लानिंग में, इसकी मैनेजमेंट में, इसकी इवेल्युएशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत समय लगता है। द करिकुलम इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिटेल। जो करिकुलम पाठ्यक्रम है उसकी जो डिटेल है, उसकी जो रूपरेखा है, वो बहुत जटिल है। गुड करिकुलम प्रोवाइड द प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट एंड मीटिंग प्लेसेज दैट आर ऑफन मोस्ट कंड्यूसिव टू लर्निंग। तो एक अच्छा पाठ्यक्रम ही बताता है कि जो कंड्यूसिव किस एनवायरनमेंट में एक जो बच्चा है वो सीख सकता है और उसके लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन से इक्विपमेंट मीन्स कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग हम रख सकते हैं,
तो इस तरह से होगा, इट इंक्लूड्स द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। तो ये स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को भी गाइड करता है और काउंसलिंग प्रोग्राम को भी गाइड करता है, हेल्थ सर्विसेज, स्कूल कम्युनिटी प्रोजेक्ट, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी एक्सेट्रा और अदर स्कूल रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंसिस। तो ये भी होता है। द करिकुलम प्रोवाइड फॉर द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो पाठ्यक्रम है वो जो भी हमारा विषय वस्तु है उसको तार्किक रूप से सीक्वेंस में रखता है। लर्निंग इज डेवलपमेंट, तो इसमें सबसे पहले बताते हैं कि जो लर्निंग है वो डेवलपमेंटल है। क्लासेस एंड एक्टिविटीज शुड बी प्लान्ड, और जो क्लासेस है और एक्टिविटीज़ है वो प्लान्ड होनी चाहिए। अ गुड करिकुलम प्रोवाइड कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, और जो एक अच्छा करिकुलम है वो एक्सपीरियंसिस को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। द करिकुलम डेवलपमेंट एंड कोऑपरेट विद अदर प्रोग्राम ऑफ द कम्युनिटी। जो करिकुलम है वो करिकुलम वो कॉम्प्लीमेंट करता है और कोऑपरेट करता है बाकी प्रोग्राम जो भी हमारे सोसाइटी के होते हैं उसको। द करिकुलम इज़ रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द कम्युनिटी। करिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है सोसाइटी की नीड्स के लिए। द स्कूल एफर्ट हैज इट्स असिस्टेंस, स्कूल एफर्ट्स ऑफर्स इट्स असिस्टेंस इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ ऑन गोइंग प्रोग्राम ऑफ द कम्युनिटी। तो भी जो भी हमारे ऑन गोइंग प्रोग्राम्स है स्कूल कम्युनिटी के, स्कूल उसको क्या करता है, असिस्टेंस मीन स्कूल उनको हेल्प करता है। द करिकुलम स्कूल कैसे हेल्प करेगा, बाय द करिकुलम, विद द हेल्प ऑफ करिकुलम। जो एक अच्छा पाठ्यक्रम सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करेगा तो सोसाइटी ऑब्वियसली बात है हेल्प जो है वो मतलब हेल्प होगी बाय द स्कूल, ठीक है। हेल्प तो इसमें सोसाइटी को क्या है, हेल्प मिलेगी स्कूल्स के, क्योंकि सोसाइटी तभी डेवलप होगी जब एक पाठ्यक्रम अच्छा होगा और बच्चा एक अच्छे चीज़ों को स्कूल में सीखेगा। देयर इज़ अ कोऑपरेटिव एफर्ट बिटवीन द स्कूल एंड द कम्युनिटी टुवर्ड ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। तो जो भी स्कूल और जो भी सोसाइटी है उनमें आपस में एक कोऑपरेटिव एफर्ट होता है जिससे कम्युनिटी डेवलप होती है। द करिकुलम इज हैज़ एजुकेशनल क्वालिटी। जो पाठ्यक्रम है उसमें शैक्षिक विशेषता है। क्वालिटी एजुकेशन कम्स थ्रू द सिचुएशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएटिव कैपेसिटी फॉर सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। जो क्वालिटी है, जो भी विशेष मतलब एक अच्छी विशेषता आती है वो कैसे आती है, इट कम्स थ्रू सिचुएशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल, कि एक इंडिविजुअल की सिचुएशन कैसी है, वो कैसे सीख सकता है, कितना उसका आप बोल सकते हो कि एक एबिलिटी है, इंटरेस्ट है, इस तरह से उसके आधार पर की जाती है। एंड द करिकुलम हेल्प द लर्नर टू बिकम द बेस्ट दैट ही कैन पॉसिबली बी। तो जो अच्छा पाठ्यक्रम है वो लर्नर को एक बेस्ट पर्सन बनाने में हेल्प करता है जो वो बन सकता है। उसके बाद आता है करिकुलम हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी। जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रशासनिक लचीलापन है। अ गुड करिकुलम मस्ट बी रेडी टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस व्हेनेवर नेसेसरी। एक अच्छा पाठ्यक्रम क्या है, तैयार होता है जहाँ पे भी चेंजेस लाना जरूरी होता है उसको करवाने के लिए। द करिकुलम इज़ ओपन टू रिवीजन एंड डेवलपमेंट टू मीट द डिमांड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ एंड द डिजिटल एज। जो भी हमारी ग्लोबलाइजेशन और जो डिजिटल एज है, आज की जो मॉडर्न एज है उसकी, उसको डेवलप करने के लिए जो करिकुलम बार बार रिवाइज होता रहता है, मीन्स इट इज़ ओपन टू रिवाइज। अब आता है नीड्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की जरूरत क्यों है, फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजिंग द सोसाइटी, सोसाइटी को मॉडर्न बनाने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीने का तरीका ऊँचा करने के लिए, डेवलपिंग डेमोक्रेटिक लाइफ, जो भी डेमोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक लाइफ होनी चाहिए डेमोक्रेटिक लाइफ को डेवलप करने के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्रीय विकास के लिए, होल एजुकेशन ऑफ द मैन, और एक आप बोल सकते हो करेक्टर डेवलपमेंट के लिए, और भी इसमें पॉइंट आप डाल सकते हो। तो अब आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, कि जो बेसिस है, किन आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो इसके कुछ बेसिस है, फिलोसफी नंबर दो, सोशोलॉजी थर्ड है, साइकोलॉजी फोर्थ है, अदर डिटर्मिनेंट अदर में आएगा, साइंटिफिक एज वेल एज पॉलिटिकल। तो पहला आता है फिलोसफी। फिलोसफी में आप बोल सकते हो रियलिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म मीन्स यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृति आप बोल सकते हो यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और व्यवहारवाद, ठीक है। तो रियलिज्म में मतलब कि फिर आता है सोशोलॉजिकल बेसिस में, मतलब अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। साइकोलॉजी का मतलब अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी ऑफ द लर्नर, और साइंटिफिक का मतलब जो हमारे नए साइंटिफिक मेथड्स है उसकी तरह से, और पॉलिटिकल मींस पॉलिटिकली भी उसका राजनीतिक रूप से, कि राजनीतिक रूप से किस तरह से करिकुलम को डेवलप किया जाता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।